कांडा के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ कांड करेगी बीजेपी। गोपाल कांडा के साथ मिलकर हरियाणा जीतने का तैयार किया प्लान। गोपाल कांडा के साथ गठबंधन में बीजेपी लड़ेगी चुनाव। हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ गोपाल कांडा की हुई एक और सीक्रेट मीटिंग। 3 दिन में हो सकता है टिकट बंटवारे पर फैसला। गोपाल कांडा से गठबंधन बढ़ा सकता है बीजेपी नेताओं की भी टेंशन। हरियाणा की सिरसा विधानसभा सीट से हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। 1 महीने के अंदर दूसरी बार हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। गोपाल कांडा ने धर्मेंद्र प्रधान के घर 40 मिनट तक बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन चला। बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। आने वाले 2 से 3 दिनों में सीट शेयरिंग पर दोनों दलों के बीच सहमति बन सकती है। गोपाल कांडा हरियाणा में 5 विधानसभा सीट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। भाजपा और हलोपा दोनों की पसंद से यह उम्मीदवार उतारे जाएंगे। 3 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि हलोपा कितनी सीटों पर और बीजेपी के सिंबल पर हलोपा की पसंद से कौन लड़ेगा। हलोपा बीजेपी की मुलाकात से सिरसा फतेहाबाद के भाजपा नेताओं की भी चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि हलोपा और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला फिट बैठता है तो सबसे ज्यादा खतरा रंजीत चौटाला को है। रंजीत चौटाला रानिया विधानसभा से दावेदार है और विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो वहीं गोपाल कांडा ने अपने भतीजे गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा को रानिया से हलोपा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इससे रंजीत चौटाला की टेंशन बढ़ गई है। वहीं गोविंद कांडा पहले से ही बीजेपी का हिस्सा है। गोविंद कांडा 2 सीटों एलनाबाद और फतेहाबाद से दावेदारी कर रहे हैं। एलनाबाद में मीनू बेनीवाल और फतेहाबाद में विधायक डूडाराम की मुश्किलें बढ़ सकती है। गोपाल कांडा का हरियाणा में वैश्य और पंजाबियों के बीच अच्छा जनाधार है। हलोपा को लगता है कि हलोपा उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जिन पर बीजेपी को चुनाव जीतना मुश्किल लगता है। हालांकि हाल ही में पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि हरियाणा में बीजेपी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के दौरान नायब सिंह सैनी ने बयान दिया था कि हलोपा और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा सामने आ रही है। गोपाल कांडा ने धर्मेंद्र प्रधान से पिछली मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं हरियाणा में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। हरियाणा लोकहित पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का घटक दल है। लोकसभा चुनाव में भी हलोपा ने सहयोगी दल के रूप में समर्पित सहयोग दिया है। आज की मुलाकात में विभिन्न विषयों और भविष्य की राजनीति संभावनाओं पर सकारात्मक बातचीत हुई। अब ऐसे में देखना होगा क्या बीजेपी गोपाल कांडा के सहारे हरियाणा को जीतने की अपनी कोशिश को आगे बढ़ाती है, और अगर ऐसा होता है तो इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, और इसके अलावा जो बीजेपी से उम्मीदवारी की ताल ठोक रहे हैं उन नेताओं का क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टेजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।